करेगा। अच्छा अवे ना तो शाम को कराए दियो शाम आओ आओ मना तो हाँ नंदो ननद में फर्क क्या है, आज की हमारी बहनें जरूर सुने जो अपनी भाभी की नंद बन चुकी हैं और बन चुकी है या बनेंगी, बहनें जरूर सुने। नंदो ननद में न न न द यानी जान ना होवे दैया रे रे वहां कराए देवे दैया रे रे, मतलब भाभी ने गुस्सा में कुछ कह दई तो जाएगी मम्मी से पूछ दई। घर में महाभारत शुरू हो गया, थरिया के ऊपर बिलिया बजन लगी जय ननद। एक होती है नंद, अगर भाभी ने कुछ कह भी दिया गुस्से में तो वो ननद जो नंद जो है वो बात अपनी माँ तक नहीं पहुंचाएगी, सोचेगी फालतू में क्यों माँ से कहूँ, झगड़ा होगा, कलेश बढ़ेगा घर में। ये सब नंद की पहचान है। तो कितनी है पई पई भाभी ने की ननद हो, कितनी है सवई ननद ही होगा, ननद हो न्यू गरी में तो ननद हो। अब वो जय भूलेगी नंद ननद में फर्क का है। अच्छा अच्छा ऐसी जो एक बात बताऊं आपको मेरी बहना, आपकी माँ में आपकी चाची में झगड़ा हो रहा है तो बेटी का बोलने का कोई अधिकार? आपकी माँ में आपकी ताई में आपकी माँ में आपकी दादी में आपकी माँ में भाभी में अगर झगड़ा हो रहा है तो बेटी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पिता में चाचा में आपके पिता में ताऊ में आपके पिता में बाबा में थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा है तो बेटी का बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि बेटी को ये सोचना चाहिए आज मैं यहाँ हूँ कल हमें यहाँ नहीं रहना है, मुझे तो किसी और का घर बसाना है। और ये हिस्सेदार है, लड़ेंगे भी, थाली एक भी एक में भी खाएंगे और थाली अलग अलग भी करेंगे, मुझे क्या लेना देना इन बातों से, ये हिस्सेदार है लड़ेंगे भी। ऐसी जो सब बेटियां होती है ना, कभी मुंह खोल करके चाची को ताई को दादी को परिवार में किसी को भी मतलब किसी को भी कभी मुंह खोल कर जवाब नहीं देती है ना ऐसी बेटियां। जब उनकी शादी होती है ना, जब उनकी शादी होती है और जब शादी में उनकी विदाई होती है तो सुन करके भी लोग परिवार वाले ही नहीं गांव वाले भी रोते हैं। बड़ी सभ्य बेटी थी, कभी मुंह खोल करके किसी को जवाब नहीं दिया। ऐसी बेटियों की विदा जब होती है ना तो सुन करके लोग आंसू भर लेते हैं, बड़ी सभ्य बेटी थी। और बिटिया ऐसी हो इन्हें चाची में मम्मी में खट्टे पट्टे गई बांध मोड़ा सोले लटिया खड़ी है ऐसी बिटिया की शादी हुई है ना और शादी में जब विदाई होगी तो रोने से भी आंसू नहीं निकलते हैं, मुंह से जे ही निकले पलो भैया टर गई नाते हैं, पलो भैया टर गई नाते। हर समय महाभारत कराती थी घर में। तो मेरी बहनों हमें आपको सभी को सभ्य बेटी बनकर के रहना है, अपनी भाभी की सभ्य नंद बनकर के रहना है ना। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित और आगे बढ़े तो क्या देखा है भगवान।